भागलपुर के विक्रमशिला सेतु टीओपी के विक्रमशिला सेतु पर खंबा नंबर 125 पर ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई। कार में बैठे चार लोग बाल बाल बच गए। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक के चालक को लोगों ने दौड़ाया तो वह पुल से नीचे कूद गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बरारी थाने की पुलिस ने पाया नंबर 45/20 से शव को बरामद किया। उसके पास से हजारों रुपए, मोबाइल, आधार कार्ड और ट्रक का लाइसेंस बरामद हुआ है। लाइसेंस से प्रतीत हो रहा है कि वह ट्रक का चालक है। आधार कार्ड के मुताबिक उसकी पहचान बांका जिले के शंभुगंज निवासी वारसाबाद निवासी संजीवन यादव के बेटे अमित के रूप में हुई है। ट्रक और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कार सवार की माने तो ट्रक ने पीछे से उसको ओवरटेक करके टक्कर मारी है। कार पर चार लोग सवार थे, सभी सुरक्षित है। वहीं पुल के नीचे खेत में काम कर रहे मजदूर ने बताया कि ट्रक का चालक पुल से नीचे कूद गया, लेकिन कुछ देर रेलिंग पर ही लटका रहा, उसके बाद नीचे गिरा, थोड़े देर तड़पा और फिर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम ब्रेक लिए, पीछे से ड्राइवर आके कितना स्पीड होगा? नॉर्मल पुल पे क्या स्पीड रहेगा? जो गाड़ी चल रही है ट्रैफिक में, गाड़ी चल रहा था नॉर्मल स्पीड था, कोई स्पीड नहीं था। आगे भी गाड़ी है। कितने बजे की घटना? कितने अभी 10 मिनट पहले। अभी का एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है? एग्जैक्ट टाइम अभी आपका हो रहा है 12:48 हो रहा है। यानी कि 12:15 तक घटना हुई है। तो ये ट्रक का स्पीड क्या कुछ ज्यादा था? क्या स्पीड ज्यादा था? तभी ना भैया पीछे से मारा। आगे कौन सा था गाड़ी? आगे की कौन सी गाड़ी? आगे सोचिए कौन सी गाड़ी थी कि हमको पीछे से धक्का मारा। तो ये देखिए, आप यहाँ देखिए इसको, ये गाड़ी आगे ट्रक है, ये ट्रक का ये टायर है, ट्रक का टायर है ये आगे, मेरे आगे ट्रक था जो की स्पीड किया, तो ये टायर का प्रेशर देख रहे हैं। पीछे से धक्का मारा, हम तो फेस भी नहीं देखे, मेरे गाड़ी का एयरबैग खुल गया। वो तो एयरबैग खुल गया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग चार लोग थे। गाड़ी चारों सुरक्षित हैं? चारों सुरक्षित। कोई किसी को हानि वगैरह कुछ नहीं है? ट्रक का ड्राइवर क्या उसमें? ड्राइवर भाग गया होकर, उसमें खलासी वगैरह कुछ था? हमको भैया क्या पता, हम गाड़ी के अंदर थे। ठीक है, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।